हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सर्दी का कोट पहना हुआ है, ठंड काफ़ी हो रही है। तो मैंने आपको दिखाया था कि इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाई थी आपको, हॉट एंड कोल्ड ये एसी है। तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि इसमें आप हीटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसका जो हीटर है 100% सक्सेसफुल है, कोई भी आपको मतलब दम वगैरह नहीं घुटता और मतलब काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाऊंगा कैसे हम इसको यूज़ करना है, हीटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि हमने ये इसी गर्मी में ही यूज़ कर लगवाया है। तो इसको मैं आपको चला के भी चेक करवाता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक को चेक सब्सक्राइब कीजिए आने वाली अपडेट्स के लिए, आपको चेक करवाते हैं। गाइज, पहले इसका जो ये रिमोट देख सकते हैं, तो ये इसका रिमोट है। तो मैं इसको पहले ऑन करूँगा, तो अभी ये ऑन हो गया है। दूसरा यहाँ पे ये कोल्ड पर हॉट हुआ, इसको हमने मोड पे चेंज करना है। मोड चेंज करो आप, ऑटो मोड हो गया, मास्टर मोड हो गया। ये यहाँ पे ये सन आ गया ना, सन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये हीट आ वो चलेगी। तो पहले आपको ये एक जगह पे ये क्या होगा कि यहाँ पे किसी भी जगह पे रुक जाएगा ये। तो जब ये मतलब अंदर पूरी हीट हो जाएगी तब ये जो है आपको हवा प्रोवाइड करेगा। देखिए ऊपर जा कर के ना एक बार ये रुक जाएगा, क्योंकि सर्दियों में आपको ये ब्लोअर चलता है, इसमें आपको हवा ठंडी हवा ना लगे। एक बार ठंडी होता ठंडा होता ना सारा कुछ, ऊपर जाके रुक जाएगा। देखिए एक बार रुक गया, एक बार ये तभी नीचे आएगा जब यहाँ पे पूरी हीट है वो आपको मिलेगी। वरना यहाँ पर नीचे आपको ये मिलेगा तो आपको ठंड काफ़ी लगेगी, क्योंकि अभी ये ठंडी हवा आ रही है इस पर, एक बार अभी पूरा हीट नहीं हुआ है। जब ये थोड़ा सा इसमें हॉट एयर आने लग जाएगी तब ये नीचे गए, क्योंकि हम नीचे यहाँ पे नीचे बैठे होंगे तो हमको ये स्लाइड होगा तो हमको ठंड भी लग सकती है। ठीक है, ये इसका फंक्शन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये अपनी जगह पे वहाँ पे ही रुका हुआ है, जब ये मतलब थोड़ा सा गर्म हवा हीट आने लग जाएगी तब ये जो है स्विंग करेगा, मतलब थोड़ा सा अपना काम कर रहा है अंदर से। तो मैं आपको कुछ बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये 30 डिग्री के यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 18 से लेके 30 डिग्री तक आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 28 रखना है टेम्परेचर, 30 रखना है। मैं इसको पूरा हॉट पे रख रहा हूँ कि 30 से ऊपर है वो ये नहीं जा रहा, बट अभी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ यहाँ पे ये अभी 30 तक ही रखेगा और उसकी हीट वगैरह काफ़ी है। आपको मतलब सर्दियों में कंबल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, इतना ये हीट करता है। देन अभी मैं आपको इसका जो रूम टेम्परेचर है मेरा 16 रूम टेम्परेचर है अभी, ये आपको देखिए ठंड है 16 रूम टेम्परेचर। मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे नज़दीक यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है ना, मैं आपको इसको चेक भी करवाऊंगा। देखिए अभी नीचे आ गया ना, अभी अभी ऊपर आएगा ना, फिर अब हमको पता लगेगा कि यहाँ पे हल्की सी जो हीट है वो गर्म हो गई है। ये देखिए हीट गर्म हो गई है पूरी, ये देखिए भी इसमें गर्म हवा आने लग गई है। ये देखिए कि मैंने इसको कंफर्ट जोन पे रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये अभी यही रुका हुआ है। अभी ये यहाँ पे जो हॉट एयर है वो मुझे आनी महसूस हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक कराऊंगा, आपको इस यहाँ पे सामने रख करके आपको चेक भी कराऊंगा कि इसका रूम टेम्परेचर कितना यहाँ पे डिक्रीज होता है। ये देखो अभी 16 है, तो वो भी आपको कुछ टाइम रुक के मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। अभी तो हल्की सी गर्माइश है, ज़्यादा गर्म नहीं है अभी। देखिए अभी मैं अभी रूम टेम्परेचर चेक करता हूँ, तो देखिए 18 आ भी गया, तो एक दो मिनट में आई थिंक एक दो मिनट ही हुए हैं। ये देखिए क्योंकि मैं इसके सामने ही खड़ा हूँ, तो अभी देखो मैंने पहले 16 था अभी हो गया है, रूम टेम्परेचर है 18 हो गया है। देखिए आप समझ सकते हैं कि इसकी जो हवा है वो गर्म हवा आ रही है, ये आप चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँगी कि ये इतने मतलब लाइट भी इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू आप दूसरा हीटर लेते हो। वो मतलब आपको मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, इसमें सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको चला करके सो भी सकते हैं। तो दूसरे हीटर वगैरह होते हैं वो उसमें ना दम घुटने लग जाता है, इसमें दम वगैरह नहीं घुटता इस एसीज में। तो ये देखिए मैं आपको भी चेक करवा रहा हूँ, अभी 18 ही है, पहले 16 था, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, सॉरी गाइस 2 डिग्री इसने इंक्रीज़ कर दिया टेम्परेचर, अभी 16 था, फिर अभी इंक्रीज़ हो गया 19 हो गया आपके सामने, 19 हो गया कि बिल्कुल इसके सामने। मैं आपको चेक करवा लूँ ना, क्योंकि अभी इसमें इसके सामने मैं क्योंकि सेंसर लगा हुआ है, अभी एक आपके सामने मैं इसको चेक करवाऊँ कि यहाँ पे सीधा ये गर्म हवा चेक करवानी सिर्फ आपको मैंने, कितनी गर्म हवा फेंक रहा है इसलिए यहाँ पे जल्दी कर दिया। और ये आपका जो रूम है वो मतलब 20 मिनट्स में पूरा हीट कर देगा, आपको गर्मी लगने लग जाएगी 20 मिनट में। कि ये इसका सामने मैंने रिमोट रखा हुआ ना, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी इसमें 19 आ गया अभी, क्योंकि इसमें सेंसर लगा हुआ ना, इसमें हवा जा रही है हीट, तो जल्दी ये हीट कर रहा है। बाकी जो रूम है आपका 20 मिनट में वो है हीट हो जाएगा पूरा, गर्मी लग जाएगी आपको। तो वीडियो को लाइक को चंक सब्सक्राइब करना आने वाले अपडेट्स के लिए। बाय बाय दोस्तों।